आपसी लेन देन में चली गोली। पैसे के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर झोंक दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गया और आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़कर मुकदमा दर्ज किया है। मोहल्ला खताड़ी निवासी नजाकत हुसैन ने पुलिस को तहरीर में बताया कि कोटद्वार रोड निवासी बबलू सैनी से 15,000 रुपये का लेन देन का मामला था। बताया जा रहा है कि दोनों पहले एक साथ काम करते थे, जिसमें बबलू सैनी को 15,000 रुपये देने थे। बबलू को एक साल में 15,000 रुपये देने का वादा किया था। पीड़ित व्यक्ति नजाकत हुसैन ने बताया कि बबलू सैनी सोमवार की दोपहर रानीखेत रोड स्थित अस्थान प्लाजा पर अचानक मिल गया और बबलू सैनी से नजाकत के साथ गाली गलौज व मारपीट करते हुए पैसे मांगने लगा, जबकि एक साल में रुपए देने का वादा हुआ था। एक साल होने में कुछ ही महीने बचे थे, लेकिन आरोपी व्यक्ति बबलू ने मारपीट करते हुए जेब से तमंचा निकालकर नजाकत पर फायर झोंक दिया, जिससे नजाकत नीचे बैठ गया और चला गया। फायर पास में खड़ी गाड़ी में जा लगा, जिससे गाड़ी का आगे से शीशा टूट गया। SSI जयपाल चौहान ने बताया कि नजाकत और बबलू दोनों दोस्त हैं और पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था। पैसे ना देने पर बबलू सैनी ने जान से मारने की नीयत से नजाकत पर फायर झोंक दिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी बबलू सैनी को तमंचे के साथ घटना स्थल से पकड़ लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट और 307 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मंगलवार को आरोपी बबलू सैनी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बबलू सैनी और नजाकत जो पार्टनर में बिजनेस में पार्टनर है, इनका कुछ लेन देन का मामला चल रहा था। आज ईदगाह के पास दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़े में बबलू सैनी के द्वारा नजाकत के ऊपर फायर किया गया, परंतु गोली उसको नहीं लगी। इसी दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, बबलू सैनी को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। नजाकत की तरफ से तहरीर आने पर अभियुक्त